चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से गतिविधियां चलाई जा रही है। इसी कड़ी आज चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन ने लोगों को वोट छबील लगाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सिरसा की उपायुक्त प्रभजोत सिंह व अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने लोगों को ठंडा ही पीला कर वोट के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा जिले भर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा आदि सार्वजनिक स्थानों पर भी वोट छबील लगाकर लोगों को मतदान बारे जागरूक किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग 12 मई को मतदान के लिए प्रेरित हो सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिले भर में वोट छबील लगाई गई है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 12 मई को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली सीईओ साहब के मार्गदर्शन में आज सिरसा जिला में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए हैं, जहां पे वोट की छबील और सबको वोट करने की अपील करी गई है। 12 मई का दिन सभी को बताया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे मतदान होना है। साथ ही ये भी अपील करेगी है सभी वोटर से के निष्पक्ष होकर के वोट करें, किसी भी जाति धर्म या किसी अन्य प्रकार के प्रलोभन में ना आकर के अपनी वोट करें। और वोट सभी को कहा गया मस्ट एक राइट है, आपका कर्तव्य भी है, तो इसको जरूर आप एक्सरसाइज करें। उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में एक एक पिंक बूथ बनाया गया है। इन बूथों को सखी बूथ नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि सखी बूथों पर सुरक्षा से लेकर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने में केवल महिला कर्मचारी तैनात रहेगी। प्रत्येक विधानसभा में मॉडर्न बूथ भी बनाया गया है। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं सिरसा जिले में, उसमें एक एक पिंक बूथ बनाया गया है जिसको सखी बूथ का नाम दिया गया है, जिसमें के सारे जो हमारे कर्मचारी होंगे महिला कर्मचारी होंगे और उसमें महिलाओं को उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जो महिला कर्मचारी उसमें रहेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक एक मॉडल बूथ भी बनाया गया है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक मॉडल बूथ रहेगा, जहाँ पे हर एक प्रकार की जो फैसिलिटी है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज सभी बूथ में रहेंगी, परंतु एक मॉडल बूथ भी तैयार किया गया जिसमें कि व्हील चेयर और किसी भी प्रकार की वोटर को अन्य किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दिव्यांगों को घर से लाने की व्यवस्था इस बार पहली बार की जा रही है क्या? इलेक्शन कमीशन का इस बार बहुत सख्त निर्देश है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको दिव्यांग कहते हैं उनको वोटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो हमारे यहाँ जिले में जितने दिव्यांग हैं उनकी मार्किंग हमने कर ली है, 4000 के लगभग दिव्यांग हमारे ज़िले में हैं। उनमें से हमने सभी BLO से ये भी पूछ लिया है कि किस व्यक्ति को हमारे व्हीकल की ज़रूरत है, तो 248 ऐसे व्यक्तियों ने अपना बताया कि वो हमारे द्वारा जो व्हीकल का इंतज़ाम किया जाएगा उसमें जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा व्हील चेयर का, ट्राईसाइकिल का इंतज़ाम भी किया गया है। GM रोडवेज़ को नोडल अफसर बनाया गया इसके लिए, उन्होंने 50 व्हीकल की रिक्वायरमेंट बताई थी, उनको 50 व्हीकल 10 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको अवेलेबल करवाए गए हैं। और मैं मानता हूं कि इस बार जो दिव्यांग हैं उनको किसी भी प्रकार का वोटर में वोट करने में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।